सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून की बीकॉम की फर्स्ट सेमेस्टर की मेन मेरिट फर्स्ट मेरिट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सीधे मेरिट लिस्ट पे देख लेते हैं। तो मेरिट लिस्ट देख लेते हैं। जनरल फ्रीडम फाइटर की कट ऑफ गई है 71.40। जनरल ओपन कैंडिडेट की जो कट ऑफ गई है, जनरल ओपन कैंडिडेट, ठीक है। तो देख लेते हैं जनरल ओपन कैंडिडेट की कट ऑफ कितनी गई है। तो ये मेन मेरिट है, तो टोटल जो है 8 मेरिट आपके पास में आएगी। तो जिनका नाम नहीं आएगा तो आपको इंतज़ार करना है मेरिट लिस्ट का, ठीक है। जल्दी नेक्स्ट मेरिट में अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं तो उसमें आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिस्ट थोड़ा बड़ी है इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। तो जनरल ओपन कैंडिडेट यहाँ पे हम देख लेते हैं कितनी कट ऑफ गई है। तो जनरल ओपन कैंडिडेट की जो है कट ऑफ गई है यहाँ पे 73। ये बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर्स के, तो 73 यहाँ पे कट ऑफ गई है। जनरल पीएच कैंडिडेट, गाइस जनरल पीएच कैंडिडेट की कट ऑफ गई है 52.40 फिजिकली हैंडीकैप। ओबीसी ओपन कैंडिडेट, तो गाइज ओबीसी ओपन कैंडिडेट की भी हम यहाँ पे मेरिट लिस्ट देख लेते हैं। तो ओबीसी ओपन कैंडिडेट की जो कट ऑफ गई है वो गई है आपका 58.80। 58.80 ओबीसी की कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट की कट ऑफ गई है। अदर स्टेट कैंडिडेट, अदर स्टेट कैंडिडेट की भी यहाँ पे लंबी लिस्ट है। तो अदर स्टेट की जो कट ऑफ गई है वो 73 यहाँ पे गई है। अदर स्टेट कैंडिडेट है उनकी जो कट ऑफ गई है गाइज वो गई है 73। एससी ओपन कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, तो एससी ओपन कैंडिडेट की कट ऑफ गई है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर्स में। तो लिस्ट थोड़ा लंबी है, बीकॉम में सीटें ज़्यादा होती हैं। एससी ओपन कैंडिडेट की जो कट ऑफ गई है वो गई है 54.40, 54.40 यहाँ पे गई है। एसटी एक्स डिफेंस में जो कट ऑफ गई है 52.80 गई है। और एसटी ओपन कैंडिडेट की जो कट ऑफ गई है गाइज वो गई है आपका, एसटी ओपन कैंडिडेट की कट ऑफ गई है 53.20। और यहाँ पे एक कैंडिडेट एसटी फिजिकली हैंडीकैप भी था, उनकी कट ऑफ गई है 40। तो ये हमने देखा बीकॉम फर्स्ट सेमिस्टर्स की जो है कट ऑफ मेन मेरिट यानी फर्स्ट मेरिट डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून। तो जिनका नाम नहीं आया है आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, नेक्स्ट मेरिट का वेट कीजिए। 16 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में एडमिशन्स होंगे। एडमिशन्स किस तरीके से करना है इसके लिए आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी।